Hello everybody and most welcome to the most awaited channel, which is Class Apart from An Academy, which is brought to you by An Academy. And today we are going to cover the first chapter of the CBSE class 7th textbook Honeycomb. ठीक है, तो हम लोग आज उसका फर्स्ट इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर कवर करने वाले हैं और जिस चैप्टर का नाम है जस्ट अ सेकेंड, इस चैप्टर का नाम है थ्री क्वेश्चंस. ठीक है, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, बहुत ही थॉटफुल स्टोरी है. इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ फूड फॉर थॉट फॉर यू ऑल. सो दैट्स व्हाट वी आर गोना कवर टुडे. सो वेल, लेट्स गो अहेड. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑफ कोर्स आई वांट टू लेट यू ऑल नो कि भाई अन अकेडमी की जो सब्सक्रिप्शन है उस पर अगर आपको खरीदनी है तो मेरा कोड SOS10 यूज करने से आपको अपनी सब्सक्रिप्शन में मिलेगा फ्लैट 10% डिस्काउंट. Well, with this good news, let us go ahead and learn about what were these three questions that we've been discussing about in this chapter. Okay, so first of all, guys, let me introduce myself to you. My name is Sonam Sudhan and I'm your English educator. And most welcome to Class Apart. So, guys, I want to tell you about myself a little bit more because this is my first session with you all. Well, I come with 4+ years of learning experience and I'm here to educate you all and of course myself in English. ठीक है, तो मेरी ये ट्राई रहेगी कि मैं आपके साथ जितनी भी सेशंस लूँ मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ नया ज़रूर सिखाऊँ हर सेशन में. एंड सो इट इज़ गोना बी इन दिस सेशन. तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि हम लोग क्या करेंगे. हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर एक बार ही पढ़ेंगे. विल गो थ्रू द इंटायर चैप्टर. And of course, after that, we are going to go and हम लोग चैप्टर के बीच से भी डिस्कस करेंगे. कोई नया वर्ड होगा जो कि हम देखेंगे और अगर हमें लगेगा वो थोड़ा टफ है आपके लेवल के लिए तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू कवर दैट अप विद यू ऑल. ऑफ कोर्स अलॉन्ग विद दैट देयर इज अनदर थिंग जो विच यू गाइज माइट वांट टू टेक केयर ऑफ एंड दैट इज कि मैं इस एक वीडियो के अंदर ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करूँगी. सो दिस वीडियो इज गोना एक्ट लाइक अ रेडी मेड नोट नोट्स सॉर्ट ऑफ अ थिंग फॉर यू ऑल जो कि आप एग्जाम से पहले देख सकते हो, एक बार ही गो थ्रू कर सकते हो. तो यू डोंट नीड टू ओपन द एंटायर बुक एंड गो थ्रू द एंटायर बुक. रादर दिस इज गोना बी रेडी स्टडी गेट सेट गो फॉर यू ऑल टू रिवाइज द एंटायर चैप्टर. ठीक है, सो वेल लेट्स गो अहेड. ओके, सो जैसे मैंने आप लोगों को बता ही दिया है इस चैप्टर का नाम है थ्री क्वेश्चंस. एंड लेट अस सी कि ये कौन से तीन क्वेश्चंस की बात हो रही है जिनके बारे में ये पूरा का पूरा चैप्टर लिखा गया है. सो लेट्स गो अहेड एंड रीड अबाउट इट. ओके, सो यू ऑल नो मी बाय नाउ. ओके, सो व्हाट आर दीज थ्री क्वेश्चंस एंड व्हाट इज दिस चैप्टर अबाउट. सो लेट्स गो अहेड एंड चेक आउट. ओके, द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू थ्री थिंग्स. तो एक बार एक किंग था जिसके दिमाग में ये थॉट आया कि यार अगर तीन कोई ऐसी चीज़ें हों जो कि मुझे पता हो, तीन ऐसे सवाल हों जिनका मुझे जवाब पता हो तो मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी में फेल नहीं होऊंगा. सो क्या थी वो तीन चीज़ें जो उसके दिमाग में. नंबर वन वॉज वॉट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग विथ. लेट मी जस्ट चेंज द कलर ऑफ द पेन ताकि यू ऑल कैन जस्ट कंट्रास्ट में. ओके, वॉट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग यानी कि किसी भी चीज को स्टार्ट करने का सही समय क्या है. दूसरी चीज, विच पीपल शुड ही लिसन टू यानी कि उसको कौन से किन लोगों की बात सुननी चाहिए. ठीक है, तीसरी चीज, वॉट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज है जो कि उसको करनी चाहिए. ठीक है, सो द किंग, अब क्या हुआ, ये तीन सवाल उसके दिमाग में आए कि ऐसे कौन से तीन सवाल हैं, यू नो ऐसे तीन सवाल हैं जिनका मुझे जवाब पता होना चाहिए. तो ये क्या है ये तीन सवाल. द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज थ्री क्वेश्चंस. तो किंग ने क्या किया कि पूरे अपने किंगडम में जो है लोगों को भेज दिया. ठीक है, अपने मैसेंजर्स को. मैसेंजर्स कौन होते हैं, वो लोग जो कि आपका मैसेज कैरी करते हैं. तो किंग के मैसेज कैरी करने के लिए उसने अलग अलग लोगों को भेज दिया और उनको बोला कि सबको पूछ कराओ कि कौन है ऐसा इंसान जो मुझे इन तीन सवालों के जवाब दे सकता है और जो भी मुझे सैटिस्फैक्ट्री आंसर देगा उस बंदे को प्राइज में बहुत सारा पैसा मिलेगा. ठीक है, सो अभी तक ये स्टोरी है. दिस इज व्हाट हैज हैपेंड टू नाउ. ओके, लेट्स गो अहेड. अब देखते हैं कि आगे जाकर हुआ क्या और किसने उसको इसका सही जवाब दिया और फाइनली उसको क्या पता चला. सो लेट्स गो एंड सी. ओके,
many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. बहुत सारे wise men, मतलब बहुत सारे समझदार लोग उसके पास आए और हर किसी ने इस question का जवाब अलग तरीके से दिया. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. तो उसका पहला सवाल क्या था? पहला सवाल था, what is the right time to begin something? किसी भी चीज को शुरू करने का सबसे सही समय क्या होता है? तो उन्हें बोला, भाई आप एक काम करो, एक timetable बना लो और जो है आप एक टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करो तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा सही समय क्या है. ठीक है, दिस इज द ओनली वे वी कुड डू, दिस इज द ओनली वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम. तो यानी कि अगर आपको किसी भी चीज़ को सही टाइम पे करना है तो उसके लिए आपका जो टाइम टेबल है वो आपको बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो अपना टाइम टेबल बना लो ताकि आप हर चीज़ को सही समय पर सही टाइम पर कर पाओ. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. तो किसी ने बोला कि आप टाइम टेबल बनाओ और आप सही टाइम पर सब कुछ कर पाओगे, और किसी ने बोला कि भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप सही टाइम पर कुछ कर सको. मतलब ये इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द राइट टाइम एडवांस. मतलब पहले से कोई भी ये बंदा बता ही नहीं सकता है कि सही टाइम क्या है कोई चीज़ करने का. तो इस तरीके से उसको अलग अलग जवाब मिले. चलिए लेट्स गो अहेड, देखते हैं बाकी सवालों को उसको क्या जवाब मिला. ओके, the king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures and always do whatever seemed necessary at that time. ठीक है, तो अब उसका दूसरा question क्या था? दूसरा question था, which people should, okay, what is the most important thing to do? तो ये तीसरा question था जिसका जवाब में उसको क्या मिला? उसके जवाब में ये मिला कि भाई क्या सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ही शुड अवॉइड ऑल द यू नो सभी जो फूलिश प्लेजर्स, यानी कि कोई ऐसे प्लेजर्स जो कि जिनका कोई मायना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, वो सब उनको अवॉइड करने चाहिए. आई शुड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम. येट अदर्स सेड द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन वुड हेल्प हिम टू एक्ट एट द प्रॉपर टाइम. तो सही समय, यानी सॉरी आई एम सॉरी, आई थिंक ये पहले ही क्वेश्चन का जवाब था, मेरी गलती है. सो पहले तो कईयों ने बोला टाइम टेबल बना लो, फिर कईयों ने बोला भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, फिर कईयों ने बोला कि भाई हर जो किंग है उसको हर एक फालतू की जो मौज मस्ती की चीज़ है उसको अवॉइड करना है. ठीक है, एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी. तो उस टाइम में जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट दिखती है वही चीज़ करनी है. फिर ये भी चीज़ कईयों ने बोली कि आप क्या करो, एक काउंसिल बना लो, और ऐसे जो लोग हैं, जो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, लोग हैं, वाइज मैन हैं, जो कि एक मतलब काउंसिल क्या हो गया, नथिंग बट अ ग्रुप. सो जो एक ग्रुप है बहुत ही समझदार लोगों का, वो आपको बता लो, बना लो, और वो आपको बता देंगे कि कौन कोई भी काम करने का सही समय क्या है. ठीक है, सो ये उसको मिला जवाब. दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स. तो इसका मतलब कि उन्होंने बोला कि भाई एक इंसान तो बता ही नहीं सकता है कि भाई सही टाइम क्या है, क्या कोई काम करने का, या कौन सा सही काम है. तो इसलिए उसको एक जो है ग्रुप होना चाहिए लोगों का जो उसकी मदद करें ये बताने में कि भाई ये आपका सही काम है, ये सही टाइम है. इसी तरीके से किंग को पता चल सकता है, और कोई तरीका है ही नहीं. तो उसको बड़े अलग अलग तरीके के यू नो जवाब मिले अपने तीन सवालों के, एंड दिस इज हाउ इट वेंट ऑन. ओके लेट्स गो अहेड. ओके, बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स व्हिच यू नो could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. तो फिर उसको कईयों ने बोला भाई आप काउंसिल बना लो, एक काउंसिल बनाओगे तो लोग आपको बता देंगे सही टाइम पे क्या काम करना है. फिर कईयों ने उसको अपोज किया, कई और लोगों ने बोला भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो काउंसिल है यू नो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि काउंसिल, काउंसिल मतलब मैंने आपको बता दिया ग्रुप. ठीक है, तो काउंसिल के डिसीजन का वेट कर ही नहीं सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है कि काउंसिल ही आपको हर चीज़ बताएगा. ठीक है, ये फिर कईयों ने बोला, इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम टू डू समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर. तो कईयों ने बोला भाई कि अगर आपको कोई काम सही टाइम पे करना है तो आपको फ्यूचर में देखना पड़ेगा कि आगे क्या होने वाला है, और उसी हिसाब से आपको अपना टाइम जो है वो डिसाइड करना पड़ेगा. एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट. यानी कि फ्यूचर कौन लोग देख सकते हैं, सब तो देख नहीं सकते, सो खाली मैजिशियंस जो हैं वो फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं. तो इसीलिए वो लोगों के हिसाब से आपको अपना काम करना चाहिए, क्योंकि वही आपको बताएंगे कि सही टाइम पे क्या काम करना है. द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियंस. तो यानी कि उन्होंने बोला भाई आप ऐसा करो, मैजिशियन कौन होते हैं, जादूगर. उन्हें
उन्होंने बोला आप जादूगरों के पास चले जाओ, जादूगरों को तो पता होता है क्योंकि वो अपने हिसाब से हर चीज़ कर सकते, तो उनको तो पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, आप उनके पास चले जाओ, वही आपको बता सकते हैं, वही आपको बताएंगे कि सही काम क्या है करने वाला, क्योंकि आगे ये काम आने वाला है. The king therefore would not have to, okay, would have to go to the magician. चलिए ये हो गया. In their answer to this, तो ये अभी पहले ही सवाल का जवाब चल रहा था कि भाई सबसे important time क्या है कुछ करने का, कहीं उन्होंने time table बना लो, council of ministers रख लो, फिर कहीं उन्हें बोला ये तो possible ही नहीं है, फिर कहीं उन्हें बोला magicians के पास चले जाओ, तो ये उसको पहले सवाल का जवाब मिला. Okay, चलो जी, अब second question में उसको उनको क्या मिला. Some said that the people most necessary to the king were their counselors. तो उन्हें बोला भाई सबसे इम्पोर्टेंट बंदा कौन है, जो आपके काउंसलर्स है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है. कुछ ने बोला प्रीस्ट. प्रीस्ट कौन होते हैं, ये आपके जो ज्योतिषी या जो आपके पूजा करने वाले, जो जो लोग पूजा करते हैं उनको प्रीस्ट कहते हैं, राइट. तो उन्हें बोला कि प्रीस्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. फिर कई बाकियों ने बोला कि भाई डॉक्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो कई उनका जवाब था काउंसलर्स इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर्स इम्पोर्टेंट है, प्रीस्ट इम्पोर्टेंट है. फिर कई और लोगों ने बोला कि भाई सोल्जर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो डॉक्टर, प्रीस्ट, सोल्जर, काउंसलर्स सब ने अलग अलग अपने नाम लिए. तो ये हो गया उसको दूसरे सवाल का जवाब. अब तीसरे सवाल के जवाब में उसको क्या मिला, कई ने बोला सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है. आई थिंक थर्ड क्वेश्चन यही था, राइट. So the third question was, what's the most important thing for him to do? तो पहला था right time क्या है, दूसरा था कि लोग कौन है सबसे ज़्यादा important, उसको किन की सुननी चाहिए, और तीसरा था कि सबसे ज़्यादा important काम क्या है करने के लिए. तो उसको तीसरे सवाल के जवाब में क्या मिला, उन्हें बोला भाई सबसे important काम क्या है, science. Other chose fighting, yet other chose worship. तो किसी ने बोला साइंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है, किसी ने बोला लड़ाई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है, किसी ने बोला भाई पूजा पाठ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है. सो इस तरीके से किंग को अलग अलग जवाब मिलते रहे. अब क्या हुआ, लेट्स गो अहेड एंड सी कि भाई जब उसको इतने सारे जवाब मिले तो फाइनली उसने कौन सा जवाब चूज किया, लेट्स सी. Okay, as the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. तो यानी कि वो बिल्कुल उसको तसल्ली हुई, वो कन्फ्यूजन में ही रहा, वो कुछ डिसाइड नहीं कर पाया कि भाई सही है क्या, क्या करना चाहिए मुझे, इसलिए उसने कोई रिवॉर्ड नहीं दिया. उसने उसके बदले में क्या डिसाइड किया, उसने डिसाइड किया कि वो एडवाइस किससे सीख करेगा, एक हर्मिट से. हर्मिट क्या होता है, हर्मिट ऐसा इंसान है जिसको आप हिंदी में कहते हैं ना साधु या संत, या इंग्लिश में जिनको आप कहते हो सेंट, ठीक है, सेंट या साधु संत जिसको आप कहते हो, वो होता है हर्मिट, जो कि बेसिकली वर्ल्डली प्लेजर्स को छोड़ करके कहीं और रहने चले जाता है बिना किसी चीज को देखे सुने, ठीक है. तो अपने सब कुछ लग्जरी को छोड़ छाड़ के जो रहने चला जाता है उसको हर्मिट कहा जाता है. सो ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस फ्रॉम अ हर्मिट हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम. तो उसी के गांव में एक साधु रहता था, और दैट वो जो बंदा था, ही वाज रियली नोन फॉर हिज विजडम. तो सब वो जाना जाता था अपने वाइज एटीट्यूड की वजह से, मतलब वो बहुत समझदार माना जाता था. तो किंग ने डिसाइड किया कि चलो भाई मैं उसके पास चलता हूँ अपना एडवाइस सीख करने के लिए. ओके, द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड which he never left. तो वुड क्या हो गया यहाँ पे, forest, ठीक है, वुड हो गया forest. The hermit lived in a wood. तो hermit एक wood में रहता था, यानी कि forest में रहता था, और उस forest को वो कभी भी नहीं छोड़ता था. He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes. तो वो जो हम, क्योंकि वो साधु था, उसको तो वर्ल्डी प्लेजर से कोई लेना देना था ही नहीं, तो वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल लोगों से मिलता था, मतलब उसका रहन सहन बहुत ही सिंपल था. तो किंग ने क्या डिसाइड किया, उसने क्या किया, सिंपल से कपड़े पहने, और उसने कहा कि चलो भाई मैं इसी तरीके से इसी वेशभूषा में चलता हूँ उससे मिलने. बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हाउस विद हिज बॉडीगार्ड
एंड वेंट ऑन अलोन. तो किंग ने क्या किया, उसने सोचा कि मैं साधु के हट में पहुंचने से पहले उसने जो अपना बॉडीगार्ड था उसको वहीं पे छोड़ दिया, अपने घोड़े को भी बाहर छोड़ दिया और अंदर वो अकेला चला गया. उसने सोचा, उसने डिसाइड किया कि मैं किंग से अकेले, मैं हर्मिट, हर्मिट यानी कि साधु से मैं अकेले मिलना चाहूंगा. एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट. तो अब वो हर्मिट क्या काम कर रहा था, वो कर ये रहा था कि जो उसके हट के सामने का एरिया था वो उसको खोद रहा था, उसकी डिगिंग कर रहा था. तो अब जब हर्मिट ने किंग को देखा तो उसने क्या किया, ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग. उसने किंग को ग्रीट किया यानी नमस्ते वगैरह किया और वो अपना काम करता रहा. The hermit was old and weak and as he worked he breathed heavily. यानी कि अब वो बेचारा बूढ़ा हो चुका था तो थकावट तो हो ही जाती है बुढ़ापे में, तो वो फिर भी अपना काम करता रहा और जो है अपना सांस उसकी चढ़ती हुई सांस वो लेता रहा और वो फिर भी अपना काम करता रहा. ठीक है, तो ये हुआ बेसिकली, ये हुआ जब किंग वहां पर गया तो ये सब किंग ने देखा. अब देखते हैं कि भाई आगे उसको क्या होना चाहिए. ओके, The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer three questions. तो अब क्या हुआ, अब किंग ने उसी हर्मिट को वही तीन के तीन क्वेश्चंस पूछ लिए जो कि बेसिकली उसने बाकी लोगों से पूछे थे. ठीक है, तो अब वो तीनों के तीनों क्वेश्चन उसने उस हर्मिट उस साधु के सामने रख दिए. ओके, The hermit listened to the king but did not speak. He went on digging. तो कमाल है भाई, मतलब किंग देख रहा है कि ये हो क्या रहा है, मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं किंग हूँ, मैं इसके पास बैठा हूँ, इसने मुझे नमस्ते किया ना, अपनी इसने डिगिंग बंद की, मैंने इसको सवाल भी पूछे, ये फिर भी अपनी डिगिंग करता जा रहा है, भाई ये चल क्या रहा है. तो अभी किंग थोड़ा सा मतलब ऐसे थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि भाई क्या हो रहा है. अब किंग ने जब ये चीज नोटिस की कि भाई हर्मिट तो बस अपने डिगिंग में लगा हुआ है, तो किंग ने क्या किया, किंग ने कहा यू आर टायर्ड. ठीक है, किंग ने उस साधु को कहा भाई आप थक चुके हो, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस. स्पेड क्या होता है, जिससे आप जमीन को खोदते हैं, जिससे आपके घर में माली आता है वो यूज करता है, उसको स्पेड कहा जाता है. लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस. तो उसने बोला कि भाई आप आराम से बैठो, मुझे करने दो, मैं कर लेता हूँ. क्योंकि वो बूढ़ा था तो किंग ने सोचा कि चलो आई थिंक लेट इट बी यू नो एज अ गुड जेस्चर, लेट मी जस्ट डू दैट. Thanks said the hermit giving the king his spade. तब हर्मिट ने क्या किया, किंग को थैंक्स बोला और उसको अपनी दे दिया, उसको बोला ठीक है भाई कर लो, और वो जो है आराम से ग्राउंड पे बैठ गया. अब देखते हैं आगे क्या हुआ. ठीक है, तो ये देख लो जी, ये है हमारे किंग और ये है वो साधु जिनके पास ये किंग गए हैं. ये साधु का हट और ये है वो फॉरेस्ट जहाँ पे ये रहता है, यहाँ पे जहाँ पे ये साधु रहते हैं. ठीक है, तो आप देख रहे हो काफी बूढ़े हैं, तो और ये इनके हाथ में देखो ये स्पेड है जिससे कि ये जमीन को खोद रहे थे. ये अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे तो जमीन थोड़ी सी खुदी हुई है, तो ये जमीन को खोद रहे थे. और अब किंग ने बोला चलो आप छोड़ो, यू नो मेरे को दे दो, मैं करता हूँ. और ये आप देख रहे हैं ये थ्री का क्या इंडिकेशन है, थ्री क्वेश्चंस. ठीक है, जो उसने हर्मिट से पूछे हैं, तो ये हैं वो थ्री क्वेश्चंस. सो लेट अस सी कि अब आगे स्टोरी में क्या होता है. ओके, एज द किंग हैड डग टू बेड्स ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस. तो टू बेड्स यानी कि उसने दो बड़े बड़े मतलब ऐसे खड्डे जैसे एरिया खोद दिया था. अब उसने फिर से अपना सवाल पूछा. ठीक है, Obviously, इतना टाइम हो गया उसको आए, वो उसको जवाब तो मिला नहीं है, तो वो तो पूछेगा. The hermit gave no answer but stood up stretching out his hands for the spade and said, "Now you rest, let me work." तो भाई अब क्या हुआ, अब कि अब हर्मिट ने बोला कि भाई कोई बात नहीं है, तुम ऐसा करो. जैसे ही किंग ने उसको फिर से तीन सवाल पूछे, हर्मिट ने क्या किया, वो खड़ा हुआ, उसने अपने हाथ बाहर निकाले, उसने बोला मेरे को दे दो स्पेड, मैं अब काम करता हूँ, आप रेस्ट करो. भाई बड़ा अजीब सा रिस्पॉन्स है, उसको भी तो कोई जवाब ही नहीं मिला. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग. अब किंग ने क्या किया रिस्पॉन्स में, उसने वो फिर भी खोदता, उसको दिमाग में मन में था कि थोड़ा बूढ़ा इंसान है नहीं कर सकता है शायद, मुझे खुद ही करना चाहिए, तो वो खुद फिर से खोदता. वन आवर पास्ड,
then another. The sun went down and behind the trees, and at last the king struck the spade into the ground and said, अब क्या हुआ, अब की थोड़ा फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो गया, क्या है वो तो रहा नहीं, काम तो ये तुम जवाब ही नहीं दे रहा. फाइनली अब शाम हो गई, सूरज ढल गया और उसने फाइनली जो है उसने स्पेड को मतलब जमीन में ऐसे स्ट्रक मतलब जोर से मारा. ही स्ट्रक द स्पेड एंड सेड आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन. इफ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो आई विल रिटर्न होम. अब उसने बोला भाई साधु जी मैं आपके पास अपने तीन सवालों का जवाब ढूंढने आया था, अगर आपके आप जवाब नहीं दे सकते हैं तो मुझे बता दें, मैं वापस घर चला जाऊंगा. Here comes someone running. तो जैसे ही किंग ने ये सवाल पूछा वैसे ही सीन में एंट्री हुई किसकी, जिसकी तरफ इशारा करते हुए हमिट हमिट को ना साधु साधु ने बोला अरे वहां पर देखो कोई भागता हुआ आ रहा है. अब देखते हैं सीन में किसकी एंट्री हुई, कौन भागता हुआ आ रहा था. ओके, द किंग टर्न्ड अराउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन. बियर्डेड मतलब दाढ़ी वाला इंसान. किंग पीछे मुड़ा, उसने देखा पीछे एक दाढ़ी वाला इंसान आ रहा था रनिंग टुवर्ड्स देम, और वो जो दाढ़ी वाला इंसान था वो उनकी तरफ भाग रहा था. हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक फ्रॉम व्हिच ब्लड वाज फ्लोइंग. उसके पेट में से खून निकल रहा था और उसके जो हाथ थे वो अपने पेट जहाँ से खून निकल रहा है वहाँ पे उसके हाथ थे. He then reached the king and fainted and fell to the ground. अब क्या हुआ, जैसे वो किंग के पास पहुंचा वो फेंट हो गया, और फेंट होते ही मतलब ऑफ कोर्स उसको इतनी ब्लीडिंग हो चुकी थी तो फेंट तो होना ही था. द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैनस क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक. तुमने देखा किंग और साधु ने देखा कि भाई उसके तो पेट में बहुत बड़ा एक घाव, वुंड क्या होता है घाव, ठीक है घाव जैसे हम कभी लग जाती है तो लगने की वजह से वी गेट अ वुंड. तो उन्होंने देखा कि उसके पेट में तो बहुत बड़ा वुंड है. द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ. तो किंग ने क्या किया, फटाफट उसको धोया और उसको अपने रुमाल से बांध दिया. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग. ठीक है अब लेकिन काफी ज्यादा उसको लगी थी तो खून तो रुक ही नहीं रहा था. द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल At last the bleeding stopped. तो किंग ने बहुत मेहनत की मतलब दोबारा से वुंड को रिड्रेस किया जब तक ब्लीडिंग रुकती नहीं. ठीक है जी क्लियर हो गया. अभी तक स्टोरी में तीन लोगों की एंट्री हो चुकी है. अब आगे देखते हैं कि क्या होगा. तो ये आप लोग देख रहे हैं, ये देखो जी एक दाढ़ी वाला इंसान आया और उसके पेट में से खून निकल रहा था, इतना खून निकल रहा था कि वो फेंट होके गिर गया. और फटाफट जो किंग है, किंग और इस साधु ने क्या किया, जल्दी से इसकी ड्रेसिंग कर दी, इसके वुंड को साफ किया और दोबारा से मतलब ध्यान रखा उसकी पूरी केयर की ताकि कि उसका खून जो है वो स्टॉप हो जाए. ओके चलिए. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम. अब जो आदमी था वो थोड़ा सा होशों में आया, उसको लगा चलो बेटर है, तो उसने क्या किया, उसने कुछ मांगा कि मुझे कुछ पीने के लिए दे. थोड़ा सा यू नो व्हेन यू आर नॉट फीलिंग वेल तो यू वांट समथिंग टू ड्रिंक राइट. तो उसने मांगा मेरे को थोड़ा सा कुछ पीने के लिए दे. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल. अब क्या हुआ, पूरी रात पड़ चुकी थी और ठंडी हो चुकी थी हवा. द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड. तो अब क्या हुआ, उन्होंने उस बीमार इंसान को जिसको लगी हुई थी, किंग ने और साधु ने पकड़ के उसको हट के अंदर वो ले गए और उसको बेड पे लिटा दिया. द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड ले क्वाइट. अब जो इंसान है, जो बंदा है, वो लेट गया अपनी आंखें बंद करके, पूरा बीमार है, ब्लीडिंग हुई है, ताकत नहीं है उसमें. द किंग ट्राइड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन. ओके सॉरी, द किंग Tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. Raja bhi thak chuka tha, wo bhi kafi zyada matlab pure din se kaam kar raha, he was also tired, to wo bhi bed pe let gaya. When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. To ab kya hua, jab bande ki neend khuli, king ki neend khuli,
उसको थोड़ा सा टाइम लगा रिकलेक्ट करने के लिए कि भाई मैं कहाँ हूँ, मैं किस, मतलब ये बंदा दाढ़ी वाला कौन है, बिकॉज ऑब्वियसली राइट इट टेक्स टाइम. कई बार क्या होता है जब आप एक नए एनवायरमेंट में होते हो थोड़ा टाइम लगता है आपको रिकलेक्ट करने में कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं कहाँ आ गया हूँ या मैं कहाँ आ गई. ठीक है ओके चलो लेट्स गो अहेड. Forgive me, said the bearded man in a weak voice. अब क्या हुआ, ये जो दाढ़ी वाला इंसान है इसने किंग को बोला forgive me, मुझे माफ कर दो. किंग हैरान, I do not know, you have done nothing to forgive you for. तो उनने बोला I don't know you and have done nothing to forgive you for. तो उन्हें बोला कि भाई आपने तो कुछ किया ही नहीं, आप मुझसे सॉरी क्यों बोल रहे हो, why are you saying sorry? Now the king is surprised. अब देखते हैं कि ये बंदा किंग को सॉरी क्यों बोल रहा है. यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू. आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वोर रिवेंज ऑन यू बिकॉज यू पुट माय ब्रदर ऑन डेथ एंड सीज्ड माय प्रॉपर्टी. चलिए इस सेंटेंस में बहुत सारे नए नए वर्ड्स हैं. ओके सबसे पहले स्वोर का क्या मतलब होता है, कसम खाना. ठीक है, रिवेंज का क्या मतलब होता है, बदला. ठीक है, सीज का क्या मतलब होता है, जब्त कर लेना, खींच लेना, ले लेना, उसको बोलते हैं जब्त कर लेना. ठीक है जी. चलिए तो उसने बोला आप मुझे नहीं जानते हो लेकिन मैं आपको जानता हूं क्योंकि मैं आपका वो दुश्मन हूं जिसने आपसे बदला लेने का कसम खाई थी. क्यों खाई थी, क्योंकि आपने मेरे भाई को मतलब मौत की सजा दे दी थी और आपने सारी की सारी मेरी जो प्रॉपर्टी है वो मुझसे छीन ली थी. आई न्यू यू एंड आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट मोमेंट एंड आई मेड अप माय माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम. तो उसने ये चीज बोली कि भाई मेरे को पता है कि आप इस साधु से मिलने गए थे तो मैंने ये डिसाइड किया था कि जब आप घर वापस आ रहे होंगे तो मैं आपको रस्ते में मार दूंगा. बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न. लेकिन हुआ क्या, पूरा दिन हो गया और आप वापस आए ही नहीं. सो आई लेफ्ट माई हायरिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी. तो अब क्या हुआ, उसने जो है वो पूरे दिन छुप कर जो बंदा है वो जो बियर्डेड बंदा है वो वेट करता रहा कि किंग आएगा आएगा और मैं उसको मारूंगा, बट किंग तो आया नहीं. तो हुआ ये कि यू नो वो जहाँ पे छुपा हुआ था वो वहाँ से बाहर निकला और वो उसके जो किंग का बॉडीगार्ड था उसके पास आ पहुँचा. जब वो उसके पास आया तो उसने क्या किया, बॉडीगार्ड ने इस बियर्डेड बंदे को रिकग्नाइज कर लिया कि ये तो किंग को नुकसान पहुँचाना चाहता है. तो उसने क्या किया, उसने मुझे मेरे साथ लड़ाई की और उस लड़ाई में मुझे लग गई. ही वुंडेड मी यानी कि उसने मुझे मारा और मुझे लग गई. अब आगे क्या हुआ, आई एस्केप फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माय वुंड्स. तो उसने बोला वहां से तो मैं बच के निकल गया लेकिन अगर मैं आप मेरे वुंड्स को ड्रेस नहीं करते तो मैं जिंदा रहता ही नहीं, मैं तो मर जाता. आई विश टू किल यू एंड यू सेव्ड माय लाइफ. उसने बोला, तो बियर्डेड बंदे ने बोला मैं तो आपको मारने निकला था लेकिन आपने मेरी ही जिंदगी बचा ली. नाउ इफ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माय सन्स टू डू द सेम, फॉरगिव मी. उसने बोला अब अगर मैं जिंदा रहता हूँ तो मैं आपका सबसे ज्यादा फेथफुल, क्या होता है भरोसेमंद, मैं आपका सबसे ज्यादा भरोसेमंद नौकर बन के रहूंगा और मैं अपने बेटू को भी यही बोलूंगा कि वो आपकी सेवा करे हमेशा. क्या ट्विस्ट आ गया ना स्टोरी में एकदम. द किंग वाज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजीली एंड टू हैव वॉन ओवर हिम एज अ फ्रेंड. तो किंग जो था वो बहुत ज्यादा खुश था कि उसने जो है यू नो उसने अपने दुश्मन से वापस मेड पीस का मतलब होता है व्हेन यू कम you know at good terms with somebody, यानी कि आप किसी के साथ बहुत ही अच्छे आपके relations हो जाते हैं, उसका मतलब होता है to make peace with somebody. So the king was very happy to have made peace with the enemy and have won over him as a friend. Or won over him मतलब अब वो finally won, when you win over somebody that means कि आप उस इंसान
कि अच्छी बुक्स यू यू कम इन दैट पर्सन गुड बुक्स और इन अदर वर्ड्स यू नाउ योर रिलेशंस विद दैट पर्सन आर ग्रेट एंड दैट पर्सन ट्रस्ट यू लव्स यू. सो अब वो जो किंग था वो बहुत ही खुश था कि उसने जो है वो अब यू नो जो उसका दुश्मन है उसको वो अब उसका दोस्त बन चुका है, वो अब उससे प्यार करता है और वो अब उसका फ्रेंड बन चुका है. He not only forgave him but also said he would send his servants and his own daughter to look after him and he promised to give back the man's property. तो किंग को भी दया आ गई. किंग ने बोला कि भाई मैं अपने पर्सनल डॉक्टर को भेजूंगा अपने सर्वेंट्स के साथ में और वो जो डॉक्टर है वो आपकी प्रॉपर देखभाल करेगा, सेवा करेगा एंड जो आपकी प्रॉपर्टी मैंने ली थी मैं वो भी वापस कर दूँगा. तो इतना कहाँ से कहाँ पहुँच गई स्टोरी. वो आया था तीन सवालों के जवाब जानने और यहाँ पर तो नई ही कोई एक यू नो इंसिडेंट खुल गया. चलिए आगे देखते हैं क्या. Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked around for the hermit. अब वो फिर से हर्मिट को ढूंढने लगा. Before going away, he wished once more. उसने सोचा चलो जाने से पहले मैं एक बारी फिर से सवाल पूछ लेता हूँ, शायद मुझे जवाब मिल जाए. Now the king, the hermit was busy on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before. यानी कि अब वो हर्मिट क्या, पहले वो हर्मिट खोद रहा था, अब वहां पे जो क्यारियां बन चुकी थी वहां पे वो सीड्स लगा रहा था. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू आंसर माय क्वेश्चंस वाइज मैन. उसने बोला यार लास्ट टाइम एक आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे सवालों का जवाब दे दो. सो जाते जाते एक बारी फिर से मैं इस साधु से पूछ लेता हूँ, शायद मुझे जवाब मिल जाए. चलो लेट्स सी उसको जवाब मिला या नहीं. You have already been answered. अरे अब उसको साधु ने बोला तुम्हें जवाब मिल चुका है, कमाल है ये कैसे. Okay, said the hermit still bending down the ground and looking up at the king as he stood before him. तो अब हर्मिट जो है वो नीचे बैठा हुआ है और वैसे करके देख रहे किंग को, बोल रहे आपको तो जवाब मिल चुका है. किंग हैरान, मुझे कैसे जवाब मिला. He's like, how have I been answered? मतलब उसको तो पता ही नहीं कि उसको जवाब मिल चुका है. अब देखते हैं कि उसको जवाब कैसे मिला, मिला भी है कि नहीं. Do you not see, replied the hermit, if you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. Pitied का मतलब है तरस खाना. अगर आपने मेरी बुढ़ापे को देखकर मेरे पे तरस नहीं खाया होता तो आप ये जो बेड्स हैं जो जो आपने यहाँ पे क्यारियां बनाई हैं वो आप नहीं बनाते और आप घर से और आप यहाँ से चले जाते. ठीक है. Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed. और अगर आप यहाँ से चले गए होते तो वो जो बंदा है वो आपको अटैक कर लेता और अगर वो आप पे अटैक करता तब आप ये चीज की विश करते यार काश मैं वहीं पर रह गया होता with him. So the most important time was when you were digging the beds. तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम क्या था, जब आप बेड्स को डिग कर रहे थे. यानी कि वो टाइम जब आपको ही पता नहीं है कि आप सबसे इम्पॉर्टेंट काम कर रहे थे, क्योंकि अगर आपने वो काम छोड़ दिया होता तो आप पर अटैक हो चुका होता. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. यानी कि अब उसको तीनों सवालों के जवाब मिल गए. सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है, ठीक है, काम कौन सा था जो उस टाइम पे बेड्स को डिग कर रहा था. सबसे इम्पोर्टेंट इंसान कौन सा था, वो हर्मिट जो उसके सामने था. और उसका सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस क्या था, उस हर्मिट के लिए अच्छा करना. आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, तो हर्मिट बोलते हैं उसके बाद में जब वो बंदा यहाँ पर आया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम. सबसे इम्पॉर्टेंट वक्त क्या था, जब तुम उसका ख्याल रख रहे थे. बिकॉज इफ यू हैड नॉट रेस्ट हिज वूंड्स यू वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू. यानी कि अगर तुमने उसकी वूंड्स को उसके ख्याल नहीं रखा होता तो वो बिना तुमसे वापस सुलह किए, अपनी दुश्मनी तुमसे बिना खत्म किए मर जाता. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन. ठीक है, तो उस वक्त पे वो इंसान सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. और जो आपने उस टाइम पे किया वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस था.
अब ये सब स्टोरी साधु को उसने सुनाई और फिर क्या समझाया? अब लास्ट में साधु ने उसको क्या समझाया? रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज नाउ, यानी कि एक ही वक्त होता है जो सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, वो वक्त क्या होता है? अभी का वक्त। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वेयर वी हैव एनी पावर टू एक्ट, यानी कि जो अभी का वक्त होता है ना, सिर्फ वहीं पे हमारे पास पावर होती है एक्ट करने की, यानी कि ना ही हम पास्ट में एक्ट कर सकते हैं, ना ही हम फ्यूचर में एक्ट कर सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अभी एक्ट कर सकते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान कौन सा होता है? वो इंसान जिसके साथ आप एक पर्टिकुलर टाइम पे हो, उस पर्टिकुलर टाइम पे हो। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर एंड व्हेनेवर वी विल मीट एनीबडी एल्स, क्योंकि किसी को पता नहीं कि फ्यूचर में क्या होगा और हम कब किसी और को। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है? इज टू डू दैट पर्सन गुड, यानी कि जो बंदा उस टाइम में आपके सामने है उसके साथ में अच्छा करना सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। तो बेसिकली उसको क्या जवाब मिला? सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम क्या है कोई चीज़ करने का? अभी। सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान क्या है जो आपके सामने है उस टाइम पर? और आपका सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है जो आपके सामने इंसान है उसके साथ अच्छा करना? ठीक है, बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन, क्योंकि हम इसी काम के लिए इस दुनिया में भेजे गए हैं। वाओ, द स्टोरी एंड्स। आई होप यू लव्ड इट, आई होप यू अंडरस्टूड इट। आई लव्ड इट कंप्लीटली। इट जस्ट यू नो ब्रिंग्स गूज बम्स टू मी बिकॉज इट इज इट कैरीज अ वेरी डीप मीनिंग। तो या सबसे इंपॉर्टेंट काम वही होता है जो अभी होता है, रिमेंबर दैट। सबसे इंपॉर्टेंट इंसान वही होता है जो आपके सामने होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम क्या होता है? राइट नाउ। चलिए चलिए बच्चों, जल्दी से जाने से पहले मैं एक बार आपको अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन के फीचर्स बता देती हूँ। वेल, जो अन अकेडमी की सब्सक्रिप्शन हैं उनके क्या क्या फीचर्स हैं? आपके पास लाइव लर्निंग होती है सिटिंग एट होम, ठीक है। आपके पास अनलिमिटेड एक्सेस है टू ऑल कोर्सेज, सभी के सभी कोर्सेज के लिए आप कोई भी कोर्स ले सकते हैं। देन टॉप एजुकेटर्स हैं आपके पास, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन है आपके पास, एग्जीक्यूटिव यानी कि आपके पूरे पूरे सिलेबस का कवरेज है, ठीक है। देन यू हैव जो भी पढ़ाने जा रहा है क्या लिखा है, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, तो आपको एक टीचर एक्सक्लूसिवली मेंटर करेगा। यू हैव स्टडी मटेरियल, यू हैव प्रैक्टिस टेस्ट, यू हैव लाइव टेस्ट सीरीज एंड यू हैव बैच कोर्सेज। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं बच्चों, जल्दी जाओ अपनी सब्सक्रिप्शन खरीदो। चलिए थोड़ी सी प्राइसिंग समझा देती हूँ आपको। जो आपकी प्लस सब्सक्रिप्शन है, 3 महीने की प्राइसिंग है आपकी 7,500, 6 months 10,000, 12 months 15,000, 15 months 18,000। और इस प्राइस के ऊपर जो है बच्चों, मेरा कोड SOS10 यूज़ करने से आपको मिलेगा फ्लैट 10% डिस्काउंट, और आपके पास EMI के थ्रू भी पे करने का ऑप्शन है। एंड आपके आइकॉनिक में क्या क्या फीचर्स हैं? यू हैव अ पर्सनल मेंटोर, ठीक है। देन यू हैव लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन, इट्स अ लाइव सेशन, इमेजिन। देन यू हैव वीकली रिपोर्ट, यू हैव ऑल द बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी के प्लस की जो है ना, वो सभी बेनिफिट्स हैं, और ये बाकी सब उसके एडिशन में है। Then you have a study planner, you have a parents connect as well, तो मतलब घर बैठे बैठे स्कूल की सुविधा मिलती है आपको। और इसकी प्राइसिंग क्या है थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ, वैसे आपको डिटेल में आना अकेडमी आपसे समझ आ जाएगी, मैं थोड़ी सी बता देती हूँ। 2 साल 48,000, 18 months 35,000, 15 months 32,000, 12 months 28,000, तो इस तरीके से डिपेंडिंग अपॉन कितने मंथ्स की आपकी सब्सक्रिप्शन है इसकी प्राइसिंग डिफरेंट है। और ऑफ कोर्स इधर भी मेरा कोड SOS10 यूज करने से मिलेगा आपको 10% डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन। चलिए बच्चों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, एंड लेट्स क्रैक इट टुगेदर। बाय, टेक केयर।